नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। इस वक्त का जो समाचार आ रहा है वो है पंजाब से। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए पंजाब सरकार ने राज्य में 14 अप्रैल तक के लिए कर्फ्यू बढ़ा दिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने राज्य की सभी सीमाओं को पूरी तरह से सील कर दिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि 14 अप्रैल के बाद केंद्र सरकार से चर्चा के बाद ही कर्फ्यू खत्म करने के बारे में कोई फैसला लिया जाएगा। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोरोना के खिलाफ जंग में काम कर रहे पंजाब पुलिस व सफाई विभाग के अन्य कर्मचारियों के लिए इंश्योरेंस का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अगर स्वास्थ्य कर्मियों की तरह पुलिस और सफाई लोगों को भी इंश्योरेंस नहीं देती तो यह काम राज्य सरकार करेगी। अमरिंदर सिंह ने पंजाब के लोगों से अपील की है कि वे परेशान ना हो। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि जरूरी काम के लिए जनता को पास मिलेंगे, ये पास जिला प्रशासन जारी करेगा। ये ई पास विशेष काम और समय के लिए ही जारी होंगे। कैप्टन अमरिंदर ने इससे जुड़ी एक वेबसाइट के साथ साथ एक QR कोड भी जारी किया है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again.